नमस्कार दोस्तों, एजुपेडियो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास टेंथ का सपोर्टिंग मटेरियल, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और ये इसकी थर्ड वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी जो है ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ से ये मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूँ। और 2 मार्क्स वाले जो 10 क्वेश्चन थे, ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ। और आज हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी हम जो डालेंगे वीडियो वो आप तक पहुंच जाएगी। ओके, जो भी अपलोड्स होंगे, तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल बटन भी दबा लिया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जैसा कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ। क्यों? ताकि वीडियो आपको ढूंढनी ना पड़े, वो आपके चैनल पर सेव हो जाए और आप उसे कभी भी देख पाओ। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर पानी दूधिया सफ़ेद हो जाता है और फिर रंगहीन हो जाता है, कारण बताइए। और ये कह रहा है, और थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, इतना ही है। प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है और फिर रंगहीन हो जाता है, कारण बताइए। रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइ, चूने का पानी क्या होता है पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है, चूने के पानी का, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना भी इसको हम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है टू सी ए ओ एच ऑफ ट्वाइस। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे गुजारते हैं, लिखा है अत्यधिक मात्रा में, जब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो क्या बनता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, वो होता है बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, ठीक है, मिल्की हो जाएगा। ओके, और इसी कारण से इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, दूधिया, लेकिन लिखा है कि फिर रंगहीन हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब पूरा पूरा की पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है तो पूरा विलयन हो जाता है दूधिया, यानी कि दूध के जैसा। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके आगे की मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कि उसके आगे क्या होता है, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो क्योंकि पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बनाएगा, ये जो मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना लेगा, लास्ट में 2 लगता है नीचे। ओके, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि दूधिया होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर रंगहीन होता है, यानी कि जो रंगहीन होता है यानी कलर नहीं होता कोई, दोबारा वो पानी की तरह वाइट, मतलब कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें लिखा था कि आप रासायनिक अभिक्रिया भी लिखें, तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया लिख के ही समझाया है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर पूछा गया है कि क्षार व क्षारक में अंतर बताइए, क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं। तो आइए मैं इसके बारे में आपको डील कर देता हूँ। देखिए, क्षारों में मुख्य रूप से क्या होता है, जितने भी क्षार होते हैं उनमें होता है OH माइनस आयन, यानी इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, OH माइनस, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ बस ऐसे ही, आप समझ गए होंगे, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है क्षार में। अब इसमें जो प्रश्न पूछा है कि क्षारक में अंतर बताइए, क्षार और क्षारक में, तो अब सुनिए ध्यान से, क्षारक हम किसे कहते हैं, तो वे, ठीक है, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, कौन से क्षार, सिर्फ वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं वे कहलाते हैं क्षारक। क्या कहलाएंगे, वो क्षारक कहलाएंगे। ओके, तो अब ऐसे कौन कौन से क्षार हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो ऐसे क्षार, ये जो क्षार है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, मिल जाता है, यानी वाटर डिजॉल्विंग है। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। ओके, आई बात समझ में, तो इसके, ठीक है, अब मैं कुछ आपको ऐसे तो इसने पूछा है अगला क्वेश्चन कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जो कि घुलते हैं पानी में
उनमें क्या होता है, उनमें होता है माइनस, जो कि सब में होता है, तो इसीलिए सभी क्षारक क्षार होते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ठेकेदार ने मकान बनाने हेतु फर्श व रसोई के स्लैब के लिए संगमरमर चुना, जहाँ सिरका, इमली व अन्य खट्टे पदार्थों का उपयोग होता है। क्या आप इस चुनाव को ठीक समझते हैं और क्यों? तो अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि देखिए, फर्श बनाने के लिए किस पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, संगमरमर। ठीक है, अब संगमरमर कैसा होता है, जो संगमरमर है उसकी प्रकृति क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो उसका नेचर है, प्रकृति है, वो है क्षार की है, यानी कि वो क्षार होता है। ठीक है, अब वहाँ काम किस किस का हो रहा है, देखिए सिरका, इमली और अन्य खट्टे पदार्थों का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अम्ल होता है, समझ गए आप। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, ये पूछ रहा है क्या आप इस चुनाव को ठीक समझते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चुनाव बिल्कुल सही चुनाव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षारक लिया है संगमरमर पत्थर, और अम्ल जो है वहाँ पे काम हो रहा है, अम्ल का, सिरके का, इमली का, खट्टे पदार्थों का। तो जब क्षार और अम्ल मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा लवण, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लवण। ठीक है, और लवण बनने के बाद ये उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब होता है कि ना तो ये अम्लीय पदार्थ का है, प्रकृति का है, और ना ही ये उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, और ना ही ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो खट्टे का यानी ना तो अम्ल का नुकसान होगा, और ना ही क्षार से कोई दिक्कत होगी, यानी कि समस्या हल हो, समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही चुनाव था। और क्यों था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कि चित्र की सहायता से हाइड्रोजन आयन AQ, हाइड्रोजन आयन विलयन में, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता दर्शाई, हमें pH की विभिन्नता दर्शानी है। तो आइए मैं आपको इसे बुक पे समझाऊंगा, क्योंकि आप ऐसे जो है pH की विभिन्नता नहीं दर्शा पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं और चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान से देखें, थोड़ा छोटा करता हूँ, या तो यहाँ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, ओके, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, घट रही है, यानी इधर से इधर क्या हो रही है, घट रही है। यानी अगर हम इसको सही तरीके से दिखाएं तो हाइड्रोजन आयन जो सांद्रता है वो 0 की तरफ बढ़ रही है। ये pH स्केल है दोस्तों, इसे हम pH स्केल बोलते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बढ़ते हुए pH का मान बताइए। तो आइए मैं आपको इसके नीचे ले चलता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखें कि 0 के पास हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और 14 के पास हाइड्रोजन आयन बहुत कम होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में होगा, और 0 के पास हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है अम्ल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाएगा क्षार, यानी 7 से लेकर 14 तक बेस कहलाएगा ये क्षार, और 7 से लेकर 0 तक कहलाएगा क्या, अम्ल। ठीक है, तो आइए अब इसको मैं आपको pH वैल्यू समझा दूँ इसकी, कि इसका pH मान क्या होगा। तो ये मैंने आपको निकाल लिया यहाँ पे। देखिए 0 के अगर पास होगा तो pH कैसा होगा, कलर 0 रेड होगा, डार्क रेड, ओके। फिर थोड़ा सा जो है कि ऑरेंज टाइप के, फिर थोड़ा सा और कलर बदलेगा, और बदलेगा, और बदलेगा, और बदलेगा, और बदलेगा, और 7 पे वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप इधर चलेंगे, pH का जो कलर है, रंग है, वो आप देखेंगे कैसा होता जाएगा, नीला। और जब बिल्कुल डार्क नीला हो तो वो होता है क्या, क्षार। ठीक है, तो ऐसा का, ठीक है, तो इसका pH क्या होगा, 14। और जो बिल्कुल रेड होगा उसका pH क्या होगा, 0। और उदासीन पदार्थ का pH क्या होगा, 7। उदासीन मतलब ना तो क्षारीय है, ना ही अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप 7 के पास आएंगे, वैसे वैसे जो अम्ल होगा वो दुर्बल होता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, पास इस तरफ 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो क्षारकीय होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोबारा से अब अपने चैप्टर की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि 3 आद्र लवणों के नाम में सूत्र लिखिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो पूछा गया 5वां क्वेश्चन, 3 आद्र लवणों के नाम में सूत्र। देखिए आद्र मतलब क्या, जिसमें वाटर हो, क्या हो, वाटर, यानी कि H2O हो,
तो जिन विलयनों में यानी लवण में साल्ट में H2O होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है जिसमें जल के अणु विद्यमान हो, ठीक है। तो देखिए हाइड्रेटेड साल्ट में अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले तो आप कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो होता है, ठीक है, डॉट, उसमें 5 अणु होते हैं वाटर के, ठीक है ना। तो ये हाइड्रेटेड साल्ट कहलाते हैं और इनका जो कलर होता है इन जल के अणुओं की वजह से ही इन लवणों का यानी कि साल्ट्स का कलर होता है, ठीक है। तो ये होता है नीला, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला। मैं इसके साथ साथ आपको कलर भी इनके बताते चलूँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कलर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे आइए, क्योंकि जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए तीनों दे रखे हैं, ठीक है, एक तो कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ये जो वाशिंग सोडा होता है उसमें 10 अणु होते हैं किसके, जल के, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाशिंग सोडा में, तो आप ध्यान से देखें दोबारा से, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, ये दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये वाला बेकिंग सोडा का वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, और यह कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, ठीक है, जिनका कलर होता है इनकी वजह से। तो ये हाइड्रेटेड तीन साल्ट हो गए, लवण हो गए, आप इसमें से बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप और भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ, जिप्सम से बनने वाला जो पदार्थ है जिसे हम बोलते हैं POP, ठीक है, तो POP भी जो है हाइड्रेटेड है। तो एक तो आपने ये लिख लिया, कॉपर सल्फेट लिख लिया, और आयरन सल्फेट में भी होता है वाटर, वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जिप्सम भी, तो चार मैंने आपको बता दिए। आप यहाँ से कोई भी लवण लिख लीजिएगा, यानी वो लवण जिनमें जल उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं क्या, कॉपर सल्फेट, उसको हम कहते हैं आद्र, ठीक है, आद्र लवण। तो आइए चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया लिखें। तो चलिए लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। दोस्तों अब तो मतलब ये तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन मैथ में ये तरीका काम नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे जो है कि आपको मैं बोर्ड पे ही कराऊंगा मैथ, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। मैथ में अभी शाम तक आपको एक वीडियो दूंगा ज़रूर, वो भी 4th चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो उत्पाद होगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, 2 होगा नीचे, कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस में मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी दोबारा से बता दूं, जहाँ भी कार्बोनेट होता है वहाँ पर निकलती है ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, ठीक है, और प्लस में क्योंकि इसमें H है और यहाँ से 2 मिल जाएगा तो ये हो जाएगी H2O, यानी कि प्लस में, ठीक है, जगह नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लस में आपका और क्या बनेगा, H2O, यानी कि जल के अणु बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि हम इसकी अभिक्रिया को लिख सकते हैं। और एक बात याद रखें कि HCl था क्या, अम्ल, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, क्षार। तो ये जो अभिक्रिया होगी इसे हम किस अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कोई नहीं, आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखें एग्ज़ाम में, ज़्यादा ना लिखें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धात्विक ऑक्साइडों को क्षारकीय ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइडों को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड, धातु का मतलब बता दूं मैं आपको कि जो भी धातुएं होती हैं, ठीक है, जब वो जल में घोली जाती हैं, घुल, क्योंकि सारी जो धातुएं हैं, धातु की जो ऑक्साइड बनती हैं, जब उन्हें हम जल में घोलते हैं तो वो देती हैं हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन उत्पन्न करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, जल में घुलने पर। तो इसीलिए उनको हम यानी कि धातु के ऑक्साइड को हम क्षारकीय कहते हैं, यानी वो क्षारक बनाते हैं, ठीक है, क्षार बनाते हैं। और जब हम धात्विक अधात्विक, ठीक है, अधातु वाली, जब अधात्विक ऑक्साइड को घोलते हैं जल में, ठीक है, जब हम अधात्विक ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसीलिए इसको, इनको हम कहते हैं अम्लीय, यानी कि अम्लीय होते हैं अम्ल, क्योंकि इसमें बनता है, इसीलिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे तभी अम्ल प्रकृति यानी कि हमें दिखाई देगी, शो होगी, ओके। तो ये तो था कि किस कारण हम धातु ऑक्साइड को क्षारकीय कहते हैं और अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो
तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं इसीलिए। अगला है पीएच मान किसे कहते हैं, निम्न की अभिक्रिया से बनने वाले लवण का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें इन दोनों की अभिक्रिया से बनने वाले पीएच मान को ज्ञात करना है। तो पीएच मान किसे कहते हैं पहले मैं वो बता दूं आपको, पीएच का मतलब होता है दोस्तों पीएच, ये जो पीएच लिखा है इस पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये कहलाता है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है और पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है पीएच। ओके, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है पीएच कहलाती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी विलयन में एच प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो क्षमता है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है किसी भी विलयन में, तो उसी को उसी की मात्रा को नापने की उसी की उसी मात्रा, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किसी भी विलयन में नापने के लिए जो स्केल प्राप्त किया जाता है या यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और इस स्केल पे जो मान आता है यानी इस स्केल पे हाइड्रोजन सांद्रता का जो मान आता है उसको हम कहते हैं पीएच मान। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। और आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसने क्या पूछा है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ये गलत लिखा है दोस्तों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक साथ होगा, चलिए गलत तो नहीं कहेंगे इसे, ये भी ठीक है प्रश्न। ठीक है, मैं इसके इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता हूँ कि अगर हम दुर्बल अम्ल लेते हैं, अब दुर्बल अम्ल कौन सा लें, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मान लीजिए मैंने ले लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बनिक अम्ल कहते हैं इसे, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। मान लीजिए मैंने कार्बनिक अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार बोला इसने, क्या बोला प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, बहुत ही प्रबल क्षार है, ठीक है, यानी कि बहुत तगड़ा क्षार है ये, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। कह रहे कि क्या होगा जब हम अभिक्रिया ले लवण का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, अब इससे जो साल्ट बनेगा, ठीक है, तो आपने देख लिया क्या था वो, तो जब हम यहाँ पे जब साल्ट बनाएंगे तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, N2CO3, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजनिक हाइड्रोकार्बन से जो मैंने कार्बनिक एसिड और कौन सा एसिड लिया और क्या लिया NaOH, ठीक है, तो इससे बना कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट प्लस में क्या निकलेगा, आपको पता ही है कि जब भी लवण बनता है अम्ल और क्षार से तो साथ में निकलता है क्या जल। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ये जो लवण है ये जो बना है इसका पीएच क्या होगा, मतलब कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल क्षारक है और कार्बनिक अम्ल H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रभाव इसमें बना रहेगा और इसी कारण से इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी क्षारीय। इसको आप याद कर लें, जो प्रबल होगा उसी की प्रकृति विलयन में होगी। ठीक है, अगर चलिए अगर क्या मैं अगले क्वेश्चन वो वही पूछा गया तो उसी को लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, अब कह रहा है कि प्रबल अम्ल चाहिए, प्रबल अम्ल में चलिए आइए ले लेते हैं, बहुत ही प्रबल अम्ल HCl, ठीक है, और प्लस में प्रबल क्षार में चलिए ले लेते हैं, यही बहुत ही जो स्ट्रांग यानी कि प्रबल क्षार है, स्ट्रांग बेस NaOH, जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, यानी जो विलयन बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा, कैसा होगा, यानी कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो आपको पता ही है कि जब HCl और इसको मिलाएंगे तो बनेगा NaCl और प्लस में क्या निकलेगा H2O। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बहुत प्रबल अम्ल है बहुत प्रबल क्षार है तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो ऐसा जो साल्ट बनेगा लवण बनेगा वो क्या होगा उदासीन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और शाम तक आपको मैथ की वीडियो मिलेगी सपोर्टिंग मटेरियल की। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।